नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा समस्त राज्य की महाविद्यालयों में स्नातक पाठ प्रथम ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2021 से 2022 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे तथा सभी पहलुओं को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा hte.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन एडमिशन 2021 से 2022 सत्र 2021 से 2022 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया स्नातक पार्ट सेकंड थर्ड व स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण के संबंध में एक्सटेंशन ऑफ द डेट ऑफ ऑनलाइन रिन्यूअल एंड फी डिपोजिशन 8E मित्रा फॉर पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड एंड PG फाइनल अप टू 31st अगस्त 2021। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन दिए गए लिंक पर क्लिक करके हम SSO ID के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन पॉलिसी 2021 से 2022 प्रवेश नीति स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसके संदर्भ में हम यहां जानकारी लेंगे। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। द्वितीय भाग स्नातक पाठ प्रथम में प्रवेश के नियम प्रवेश मानदंड एवं पात्रता तालिका 2.1 स्नातक पास कोर्स व ऑनर्स कोर्स के पाठ प्रथम में प्रवेश हेतु मानदंड राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत पास कोर्स में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कला संकाय में 45% से 12th पास होनी चाहिए, वाणिज्य संकाय के 45 एंड विज्ञान संकाय के 48% से उत्तीर्ण होने चाहिए। कला संकाय में 48, वाणिज्य संकाय में 48 एवं विज्ञान संकाय में 50% से उत्तीर्ण अभ्यर्थी ऑनर्स पाठ्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो। पास कोर्स के लिए 60% उत्तीर्ण होना चाहिए जबकि ऑनर्स के लिए 60% क्लास 12th में उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयं पाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 12 की समकक्षता हेतु कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में दे होगी जब अंग्रेजी व ITI की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा ITI करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो। 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT के 2 या 2 से अधिक
वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण आदेशों से पूर्व या पश्चात कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। आईटीआई एवं आरबीएसई आरएसओएस बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे। उक्त बिंदु में वर्णित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विज्ञान संकाय या गणित वर्ग का विद्यार्थी माना जाएगा। सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात यदि किसी कक्षा या विषय के स्वीकृत वर्ग विधि संकाय को छोड़कर में स्थान रिक्त रह जाए तो उपर्युक्त पात्रता में 3% तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3% कम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किए जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दे होगा। स्नातक पाठ प्रथम में अभ्यर्थियों के संख्या अनुसार पात्रता। स्नातक पाठ प्रथम में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय हैं कला, वाणिज्य, उत्तीर्ण अहकारी परीक्षा या संकाय, कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि संकाय, विज्ञान गणित वर्ग में केवल विज्ञान संकाय गणित समूह, विज्ञान जीव विज्ञान वर्ग केवल विज्ञान संकाय जीव विज्ञान समूह। स्टार का यहाँ अर्थ है अहकारी परीक्षा में गणित या जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूह के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 12th में अगर किसी अभ्यर्थी के पास पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और अतिरिक्त विषय के रूप में अगर इन्होंने बायोलॉजी ली है तो वे दोनों विषयों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी जिसके पास बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विषय है तो ऐसी स्थिति में वह आवेदन कर सकता है। यदि उसके पास अतिरिक्त विषय के रूप में मैथ भी हो तो वह बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों विषयों के लिए आवेदन कर सकेगा। तो दोनों विषय समूह के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि पाठ्यक्रम में अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जाएगा, परंतु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वोकेशनल कोर्स में अहकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला व वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अहकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से 5% अंक घटा दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण किए हैं उन अभ्यर्थियों की प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु सर्वाधिक अंकों वाले 5 विषयों के प्राप्तांकों को जोड़ा जाएगा, जिसमें एक भाषा का होना अनिवार्य है। 4 विषयों में अधिकतम 1 भाषा का और चयन किया जा सकता है। विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों की गणित या जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय श्रेष्ठ 5 विषयों के प्राप्तांकों में 1 भाषा तथा वांछित विषय गणित या जीव विज्ञान के प्राप्तांकों को सम्मिलित कर प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जाएगी। तो यह स्पष्ट किया जा चुका है। वर्ग में प्रवेश सीमा कितने विद्यार्थियों का जो प्रवेश लिया जा सकता है प्रत्येक वर्ग में। कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा या विषय की 1 वर्ग सेक्शन में अधिकतम 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा या विषय की 1 वर्ग में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।
स्नातक स्तर पर पाठ प्रथम पास या ऑनर्स कोर्स में किसी कक्षा विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा या विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जाएगा तथा विद्यार्थियों को अन्य वांछित कक्षाओं में प्रवेश देकर उनके द्वारा जमा करवाए गए शुल्क को समायोजित कर दिया जाएगा और इसकी सूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त या निदेशक कॉलेज शिक्षा को दी जाएगी। समस्त महिला महाविद्यालयों के समस्त विषयों में तथा सह शिक्षा महाविद्यालयों में कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जेनोलॉजी, संगीत, सिंधी, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों तथा TDP टेक्सटाइल ड्राइंग एंड प्रिंटिंग के स्नातक पाठ प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जाएगा। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालय के लिए 1 और 2 में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25% की छूट रहेगी। अंतराल के पश्चात प्रवेश, अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 अकादमिक सत्रों से अधिक अंतराल व्यतीत होने पर नियमित या स्वयं पाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अंतराल वाले हैं क्लास 12th के बाद में केवल 2 अकादमिक अंतर होना चाहिए, अगर 2 से अधिक रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको महाविद्यालय में जो प्रवेश है नहीं दिया जाएगा। अंतराल संबंधी उपयुक्त नियम मुखबधिर दृष्टिहीन अभ्यर्थियों व महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे। तो ये स्पष्ट किया गया है कि जो 2 वर्ष का जो नियम है, 2 एकेडमिक वर्ष का जो नियम है, वे अंतराल संबंधी उपयुक्त नियम मुखबधिर दृष्टिहीन अभ्यर्थियों व महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे। संकाय विषय ऑनर्स कोर्स में परस्पर परिवर्तन के संदर्भ में किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हो तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इच्छित संकाय विषय या ऑनर्स कोर्स में संबद्धक वर्ग में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम न हो। संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर संभव होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का पास कोर्स में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि बिंदु 241 के साथ परिवर्तन से ऑनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम न हो। संकाय या विषय परिवर्तन के लिए अनुमति केवल विषय संयोजन में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जाएगी। रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। विषय या संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित 200 रुपये शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होंगे। समान प्रतिशत होने पर वरीयता क्रम यह दिया गया है। कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश, कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा JET JET के आधार पर संबंधित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के पाठ प्रथम में प्रवेश दे होगा। तो यह हमने स्नातक में प्रवेश के जो नियम है, योग्यता एवं पात्रता के संदर्भ में जानकारी इस वीडियो में ली। वरीयता निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा के संदर्भ में भी हमने जानकारी यहाँ ली। अब बात करेंगे हम जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर सामान्य निर्देश, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश, फॉर्म भरने से पहले निम्न जानकारी आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवे। प्रवेश नीति HTE.rajasthan.go.in के एडमिशन होम पेज पर उपलब्ध भली भांति अध्ययन कर लेवे। प्रवेश की पात्रता, रियायतों एवं बोनस संबंधी नियमों का भली भांति अध्ययन कर ले जिससे आवेदन
करने में कठिनाई या गलती ना हो। जिस महाविद्यालय या कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं उससे संबंधित ऐच्छिक विषय या विषय संयोजन की महाविद्यालय के hte.rajasthan.go.in पर उपलब्ध एडमिशन वेब पेज से जानकारी प्राप्त करें। स्नातक पाठ प्रथम कला के आवेदक ऐच्छिक विषयों की प्राथमिकता अनुसार कम से कम 5 विषय संयोजन फॉर्म भरने से पहले निर्धारित कर लें। फॉर्म भरने से पूर्व आवेदक एड्रेस बार में sso.rajasthan.gov.in भरें और SSO पेज खुलने पर स्वयं को पंजीकृत करें। पंजीकरण की प्रक्रिया वे आवेदन फॉर्म भरने के स्टेप वाइज निर्देश एडमिशन पेज पर उपलब्ध है का अध्ययन कर ले। पंजीकरण होने के पश्चात अभ्यर्थी स्टेप वाइज निर्देश अनुसार आवेदन पत्र भरें। ई मित्र से फॉर्म भरने की स्थिति में ई मित्र की SSO ID से भी फॉर्म भरा जा सकता है। स्नातक पाठ प्रथम व स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी निम्न सामग्री या दस्तावेज सूचनाएं अपने साथ रखें। स्कैन कर अपलोड करने हेतु पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो या 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो, 100 KB से 150 KB तक का अपलोड कर सकते हैं हम। काले रंग के बॉल पेन से सफ़ेद कागज पर किए गए आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर 50 KB से 100 KB तक के होने चाहिए। अभ्यर्थी को आधार कार्ड अपने साथ लाना है। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में स्वयं को आधार कार्ड हेतु पंजीकृत करावे तथा पंजीयन रसीद साथ लावें। तो स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति SC अनुसूचित जनजाति ST तथा गैर चिकनी परत नॉन क्रिमिलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC व अति पिछड़ा वर्ग MBC का जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EWS के लिए आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों पर लागू होता है 250 KB से 500 KB तक। गैर चिकनी परत नॉन क्रिमिलेयर को होने की स्थिति में OBC या MBC प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से 1 वर्ष पूर्व तक की अवधि में जारी हुआ है। 1 वर्ष से अधिक को 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए नॉन क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र होने पर एडमिशन पेज पर उपलब्ध शेड्यूल डाउनलोड कर भरावा अपलोड करना है। 250 KB से 500 KB तक का हम अपलोड कर सकते हैं। यदि प्रवेश नीति के पृष्ठतम भाग में उल्लेखित बिंदु के अनुसार रियायत या बोनस चाहते हैं तो तत्संबंधी अधिकृत प्रमाण पत्र 250 KB से 500 KB तक होना चाहिए। प्रवेश नीति 2020 से 2021 के बिंदु 6.7.1 से 6.7.10 के अनुसार किसी एक गतिविधि के बोनस अंक दे हैं। अभ्यर्थी अधिकतम बोनस अंक वाली गतिविधि का चयन कर संबंधित प्रमाण पत्र ही अपलोड करें। दिव्यांग या कश्मीरी विस्थापित या आसाम मूल निवासी या रक्षाकर्मी कॉलेज शिक्षा के कार्यरत या सेवानिवृत्त या मृत राज्य कर्मचारी रियायतों के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें। स्नातक पाठ प्रथम के लिए निम्न अभ्यर्थियों को अंक तालिका अपलोड करनी है 250 KB से 500 KB तक। आवेदक श्रेणी उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका जो अपलोड करनी है और यहाँ विवरण दिया गया है। वर्ष 2018 से पूर्व के वर्षों में अर्हकारी परीक्षा 12th उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थी समस्त बोर्ड 12th। यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो 12th मुख्य परीक्षा जिसमें पूरक रहे वह उत्तीर्ण पूरक परीक्षा दोनों की अंक तालिकाएँ अलग अलग JPG या JPEG फाइल बनाकर अपलोड करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अतिरिक्त अन्य समस्त बोर्ड से 12th परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपलोड करनी है इन्हें 12th क्लास की मार्कशीट। यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो 12th मुख्य परीक्षा जिसमें पूरक रहें वे उत्तीर्ण पूरक परीक्षा दोनों की अंक तालिका अलग अलग JPG या JPEG फाइल बनाकर अपलोड करें।
आईटीआई के साथ अंग्रेजी विषय उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका जो अपलोड करनी है आईटीआई, आरबीएससी या आरएसएस बोर्ड से अंग्रेजी विषय उत्तीर्ण मार्कशीट, दोनों अंक तालिकाओं को अलग अलग जेपीजी और जेपीईजी फाइल बनाकर अपलोड करें। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा का जो अंक तालिका है अपलोड करनी है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की अंक तालिका अपलोड करें। वर्ष 2019, 2020 और 2021 में राजस्थान बोर्ड से ट्वेल्थ उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अदर विकल्प से आवेदन करते हैं, इन्हें ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो ट्वेल्थ मुख्य परीक्षा जिसमें पूरक रहे वे उत्तीर्ण पूरक परीक्षा दोनों की अंक तालिकाएँ अलग अलग जेपीजी या जेपीईजी फाइल बनाकर अपलोड करनी होगी। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विषय के संदर्भ में यह जानकारी दी गई है। किसी विषय में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास यदि वह विषय स्नातक स्तर पर आवेदित विषय रहा हो, उदाहरण के लिए बीए में इतिहास विषय रहा है और एमए पूर्वार्ध इतिहास के लिए प्रवेश के लिए आवेदन करता है, तो पाठ प्रथम, पाठ द्वितीय, पाठ तृतीय की अंक तालिकाएँ अपलोड करनी है। अन्यथा केवल स्नातक पाठ तृतीय की अंक तालिका करनी है, 250 केवी से 500 केवी तक। सेमेस्टर प्रणाली से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और 4 वर्षीय स्नातक कोर्स से उत्तीर्ण अभ्यर्थी होने की स्थिति में ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी द्वारा लिंग संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र जहां लागू हो 250 केवी से 500 केवी तक, बैंक पासबुक के मुख्य पेज की प्रति जिसमें नाम हो, खाता संख्या हो, आईएफएससी बैंक का नाम, आईएफएससी कोड हो, बैंक का नाम और शाखा अंकित हो, तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। आवेदन पत्र में भरने के लिए वांछित सूचना या जानकारी। टेंथ एवं ट्वेल्थ या अर्हकारी परीक्षा की अंक तालिका, मोबाइल नंबर विशेष रूप से उल्लेख करने हैं, माता पिता या संरक्षक का मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर, पिता या परिवार की वार्षिक आय, शुल्क वापसी हेतु जिन बैंक खाते में शुल्क वापसी चाहते हैं, बैंक का नाम, शाखा, खातेदार का नाम, खाता संख्या तथा आईएफएससी कोड। अभ्यर्थी फॉर्म में सेम की ईमेल आईडी, आधार नंबर, वोटर आईडी, जन आधार कार्ड नंबर, बीपीएल यदि हो तो ही भरें। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में सेम को आधार कार्ड हेतु पंजीकृत करावें तथा पंजीयन रसीद साथ लावें। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के आवेदकों के लिए विश्वविद्यालय के इनरोलमेंट नंबर विशेष ध्यान रखना है। जिन महाविद्यालयों में एक ही कोर्स में गवर्नमेंट एवं एसएफएस सीट दोनों है, तो ऐसी स्थिति में उस महाविद्यालय में दो कोर्स दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी महाविद्यालय में एमए जियोग्राफी में गवर्नमेंट एवं एसएफएस सीट दोनों हैं, तो उस महाविद्यालय में एमए जियोग्राफी एवं एमए जियोग्राफी एसएफएस के नाम से दो कोर्स दिखाई देंगे। यदि कोई अभ्यर्थी गवर्नमेंट एवं एसएफएस दोनों की सीटों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे दोनों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम है और यहाँ पर जो राज्य की जो पाठ्यक्रम है, तो दोनों के लिए जो आवेदन के जो लिंक है वो हमें अलग अलग दिखाई देंगे, तो इसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा ऑनलाइन आवेदन करते समय। तो इस तरह से हमने दिशा निर्देशों के संदर्भ में जानकारी ली जो हमें बहुत ही आवश्यक है जानकारी लेना। एडमिशन शेड्यूल यहाँ दिया गया है, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18/8/2021 से प्रारंभ हो चुकी है, अंतिम तिथि 31/8/2021 निर्धारित की गई है। इसके संदर्भ में भी हमने पूर्व वीडियोज में विस्तारपूर्वक चर्चा की है। कॉलेज की सूची में कोर्सेज दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर हमें डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, यहां पर पाठ्यक्रम बीए, बीकॉम, बीएससी एंड कोर्स ऑफर्ड कौन कौन से हैं, बीएससी मैथ, यहां पर इसके संदर्भ में हम जानकारी ले सकते हैं। तो जिस कॉलेज में जो पाठ्यक्रम है उसको पहले यहाँ चेक कर लें कि कौन से कॉलेज में क्या क्या पाठ्यक्रम होंगे और किस पाठ्यक्रम के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए।
एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय हमें इसकी आवश्यकता होगी। तो अपने जो ज़िला है उस ज़िले में कौन सा कॉलेज है और कौन से कॉलेज में क्या पाठ्यक्रम उपलब्ध है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। फॉर्म भरने के चरण, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। आवेदन करने संबंधी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने हेतु स्टेप वाइज निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हमें HTA की जो वेबसाइट है पर आना होगा, www.sta.rajasthan.gov.in। गूगल पर जाकर हमें एड्रेस बार में टाइप करना होगा। जैसे हम टाइप करेंगे, टाइप करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जहां पर हमें एडमिशन पर क्लिक करना होगा। एडमिशन में डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ SSO ID के माध्यम से हम पेज को ओपन करेंगे। इसके पश्चात सिटीज़न ऐप में हम जाएंगे। इसके पश्चात यहाँ पर DCE का जो ऑप्शन है दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार फिल किया जा सकता है, इसके संदर्भ में भी हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा सभी पहलुओं को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। लॉगिन से लेकर रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन प्रिंट तक की संपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। स्नातक नोडल अधिकारियों की सूची, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम दिया है, नेम ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज दिया गया है, नोडल ऑफिसर नेम दिया गया और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं। इन पर भी हम और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। FAQ पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ई मित्र सर्विस दर यहाँ दी गई है। ई मित्र कियोस्क या ऑनलाइन आवेदन भरना, 4 दस्तावेजों के स्कैन या अपलोड करने के लिए शुल्क दिया गया है 50 रुपये, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, M-वॉलेट, UPI द्वारा ई मित्र पेमेंट गेटवे के माध्यम से ई मित्र कियोस्क पर फीस जमा कराने का शुल्क है 10 रुपये, 2000 रुपये तक की फ़ीस के लिए और 2000 से अधिक के लिए यहाँ पर जो दरें हैं वो दी गई है। उपयुक्त शुल्क GST सहित है। व्यू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदक पत्र देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा, जहाँ पर हमें एंटर योर एप्लीकेशन नंबर DOB एंड कैप्चा फिल करेंगे और हम अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्थिति को नोट कर सकेंगे सर्च पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हम प्रिंट ले सकते हैं। नॉन क्रिमिलियर शेड्यूल डी, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार जो PDF फाइल है डाउनलोड होगी, शपथ पत्र या बयान। ट्रांसजेंडर सेल्फ अटेंशन, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा, जहां पर ट्रांसजेंडर के लिए घोषणा पत्र दिया गया है, इसे फिल करना है एवं अपलोड करना होगा। इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट हम यहां से ले सकते हैं, इसे भी हमें अपलोड करना होगा फिल करने के पश्चात। कॉमन एडमिशन फॉर्म,
सीएपी फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन और सीएफई एफएक्यू, इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से चर्चा करेंगे। फी पेमेंट फॉर प्रमोट स्टूडेंट्स, शुल्क भुगतान दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखेंगे। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है ऑनलाइन एडमिशन फी पेमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड पीजी फाइनल। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर फिल करेंगे और गेट फीस डिटेल पर क्लिक करके हम अपनी जो फीस है वो आसानी से जमा करा सकते हैं। रीप्रिंट फी रिसिप्ट प्रमोटेड दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वे पेज ओपन होगा जहाँ पर एंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड DOB फिल करेंगे और इसके पश्चात सर्च पर क्लिक करके हम जो फीस रिसिप्ट है उसका प्रिंट आसानी से ले सकते हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एवं PG फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CFE फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन के संदर्भ में, कॉमन एडमिशन फॉर्म के संदर्भ में क्यों इसकी आवश्यकता है एवं किस प्रकार हम इसका उपयोग कर सकते हैं के बारे में भी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है इसके संदर्भ में भी हम स्टेप बाई स्टेप चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सभी प्रकार के जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको भलीभांति अवलोकन करें, अध्ययन करें और उसके पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन करें ताकि किसी भी प्रकार की जो त्रुटि है ना हो। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए RBSE विद HSM चैनल के माध्यम से अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप का निर्माण कर दिया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।